हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम खीर मखनी बनाएंगे, इसे ब्राउनी खीर भी कह सकते हैं। चावल के खीर आप जो सिंपल तरीके से बनाते हैं ना, उससे कई गुना ये खीर खाने में टेस्टी लगते हैं। इसके लिए हमने एक पतीला लिया है, इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। पानी को गर्म होने देंगे, फिर इसमें दूध डालेंगे। ऐसा करने से कढ़ाई में या फिर पैन में दूध चिपकते नहीं है। तो एक लीटर हमने दूध लिया है, दूध फुल क्रीम लेना है। अगर आपके पास गाय के दूध है तो उससे भी बना सकते हैं। जब तक दूध हमारा उबल रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। तो एक कढ़ाई लिया है, इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें लगभग एक से डेढ़ चम्मच के करीब मक्खन लेंगे। ये मक्खन हमारे घर के बना हुआ है, आप चाहे तो रेडीमेड मक्खन भी ले सकते हैं। मक्खन मेल्ट हो गया है, इसमें एक इलायची को तोड़ करके डालेंगे ताकि खीर में इलायची का फ्लेवर आ जाए। इलायची को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे। तो एक लीटर हमने दूध लिया है ना, तो इसमें 100 ग्राम ही चीनी डालेंगे। चीनी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे अगर 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो आपके खीर परफेक्ट बनेंगे। इसे लो फ्लेम पे मेल्ट होने देते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें, लो फ्लेम पे ही इसे मेल्ट करेंगे। और इसे मेल्ट करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, और साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे। चीनी को ज्यादा डार्क नहीं करना है, अगर आपके चीनी मेल्ट करने में जल जाएगा ना तो आपके खीर का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, मोटे तले की कढ़ाई या फिर पतीला लें, फिर उसमें लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करें। जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगा तो इसका कलर ब्राउन कलर के हो जाएगा। इसी वजह से खीर का नाम ब्राउनी खीर है, और हमने जो मक्खन डाला है ना, इसी वजह से मक्खनी खीर भी कहते हैं। सिंपल खीर जो आप बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, चीनी हमारा मेल्ट हो गया है, यहाँ पे दूध भी उबल गया है, फ्लेम लो है। इसमें उबला हुआ दूध को डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। सारे दूध एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो उफन के बाहर आ जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा डाला था, फिर सारे दूध डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 100 ग्राम कच्चे चावल को आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था, उसको पानी छान दिया था, गीला चावल को आधा घंटा के लिए रख दिया था। तो ये चावल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे बेलन की सहायता से टुकड़े में कर लेंगे। आप चाहे तो बिना गीला चावल को मिक्सी में थोड़ा सा पीस के फिर बाद में धो लें। ऐसा करना करने से काम आसान हो जाते हैं। एक चावल को 2 से 3 टुकड़ा करना है, ज्यादा बारीक भी नहीं पीसना है। चावल पीस के तैयार है। अब पीसे हुए चावल को दूध में डाल देंगे और फ्लेम को इस टाइम तेज रखना है और मिक्स कर लेंगे। चावल डालते ही खीर को जरूर मिक्स करें, नहीं तो चावल नीचे जाके बैठ जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल अच्छा सा आने देंगे। ये देखिए, दूध में एक उबाल आ गया है, कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन कलर के दिख रहा है। जैसे जैसे खीर पकेंगे वैसे वैसे ये कलर और डार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से खीर एक बार बना के जरूर खाइएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस खीर को पकाने में आपको 20 से 25 मिनट तक लग जाएगा। एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पे खीर को आधा ढक के भी पका सकते हैं। तो अब इसे एक बार दबा के चेक भी कर लें, चावल पका है या नहीं पका है। अगर नहीं पका है तो थोड़ी देर और पका लें, थोड़ा सा गाढ़ी भी और कर लें। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जैसे कि काजू, बादाम और पिस्ता, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो खीर को हमने थोड़ी देर और पका लिया है। अब ये खीर थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है, ठंडा होने के बाद खीर और गाढ़ी हो जाती है, ये देखिए। तो इस टाइम खीर खाने के लिए गर्मा गर्म परफेक्ट है, पर इस खीर को ठंडा करके खाए तो और भी टेस्टी लगते हैं। तो मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ और इसे बारीक कटी हुई काजू, बादाम और पिस्ता से सजा लेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आते हैं बेल को बजाएं, ऑल आते हैं ऑल सेलेक्ट करें। इससे क्या होता है कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूंगी ना, आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो आप वीडियो के एंड में भी 4 वीडियो देख सकते हैं, वहीं से फोटो को क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से खुल जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।